इस वीडियो में बच्चों हम एक बड़ी अच्छी टेक्निक सीखेंगे जिसको स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं और इसके दो पार्ट हैं, तो इसी वीडियो में दोनों पार्ट समझेंगे विद एग्जांपल्स। और इसमें जो है सबसे पहला पार्ट है स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ आपको इस तरीके का अगर एक नेटवर्क दिया हो रेजिस्टेंसेस का जो ये स्टार बना रहा है, स्टार कहलाता है, तो आपको इससे इक्विवेलेंट डेल्टा बना के सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो कैसे बनाना है उसका फॉर्मूला मैं आपको और उसका तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक डेल्टा बनाना है इस स्टार में। अब वो कैसे बनेगा वो मैं बताता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको एक ये ट्रायंगल बनाना है इस तरीके से। ठीक है, ये बना लिया आपने। ठीक है, अब यही ट्रायंगल आप वापस अलग से बना लो यहाँ पे, ये हमने बना लिया और ये कन्वर्जन हो रहा है स्टार टू डेल्टा, है ना, ये डेल्टा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो ब्रांच है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगेगा इस डेल्टा में, तो ये जो रेजिस्टेंस होगा ये होगा लेट सपोज आर ए। तो आर ए क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक आर ए बना लेते हैं यहाँ पे, आर ए। ठीक है, तो आर ए को या लिखने का तरीका है कि ये तीनों रेजिस्टेंसेस जो हैं इनका प्रोडक्ट का सम। जैसे कैसे मैं आपको बताता हूँ कि आर वन आर टू प्लस आर वन आर थ्री प्लस आर टू आर थ्री अपॉन डिवाइडेड बाय जो ये है ये वाली ब्रांच। इस ब्रांच में ये R1 और R2 लगे हुए हैं, तो इन दोनों के अलावा तीसरा उससे आपको डिवाइड करना है। समझ गए आप? अब जैसे ये होगा RB, लेट सपोज। ठीक है, तो RB होगा, आर बी इस जगह पे लगा रहे हैं तो ऊपर तो वही आएगा आर वन आर टू प्लस आर वन आर थ्री प्लस आर टू आर थ्री, और नीचे आएगा जो इस ब्रांच में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं आर टू और आर थ्री, इनके अलावा तीसरा वाला यानी आर वन। सही है, और जो ये होगा जो इस जगह पे लगेगा। ठीक है, ये मैं इधर बना देता हूँ, ये हो गया आर सी। तो आर सी होगा आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर वन आर थ्री डिवाइडेड बाय इसके अलावा आर इस वाली ब्रांच में सी वाली ब्रांच में आर वन और आर थ्री कॉमन है, तो इसके अलावा तीसरा कौन है आर टू। तो बेटा ये कन्वर्जन के फॉर्मूला है और ये तरीके से आप फॉर्मूले को याद कर सकते हो। ठीक है, ये तो था स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब मैं आता हूँ डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन पे। ठीक है, तो ये है, इसमें आपको ये डेल्टा दिया हुआ है और इससे स्टार बनाना है। तो सबसे पहले आप इसमें अंदर एक स्टार बनाओ, ये आपने स्टार बनाया और यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस बना लो। एक ये है,
एक ये है और एक ये है, और इसको अलग से बना लो आप ताकि हौच पौच ना हो। ये तीन मैंने बना लिया अलग से, ठीक है। अब ये जो ओ सबसे ऊपर वाला है, ये हो गया यहाँ पे R1, ये वाला हो गया यहाँ पे R2, और ये वाला हो गया R3। नंबरिंग आप कोई भी दे सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब आप लिखोगे, ये स्टार बन गया हमारा, तो आप जब लिखोगे तो आप याद रखना है कि फॉर्मूला हमको कैसे लगाना है, ठीक है। तो R1 जो हैगा वो कैसे लिखना है आपको, ये वाला ये R1 है, तो इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पे R1, R2 और R3। तो R1 के आस दोनों तरफ कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, RA, RC, तो ऊपर इनका प्रोडक्ट आएगा आर ए इंटू आर सी, और नीचे इन तीनों का सम आएगा आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। उसी तरह आर टू जब आप लिखोगे तो उसके दोनों तरफ जो रेजिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट आएगा आर ए इंटू आर बी, और नीचे ट्रायंगल के तीनों रेजिस्टेंसेस का सम आएगा आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, और उसी तरह आर थ्री। आर थ्री में दोनों तरफ के रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट ऊपर आर सी इंटू आर बी, और नीचे आएगा इन तीनों का सम आर ए आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ठीक है बच्चों। ये तीन फॉर्मूले इस तरीके से आपको याद करना है और बनाना है। तो अब जो है वो हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। तो ये क्वेश्चन है, और ये एक अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है जिसको हम स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे। इस क्वेश्चन को बेटा हमें स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके करना है, और ये एक अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है जिसे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करेंगे, है ना। तो अनबैलेंस क्यों है, क्योंकि आप देख लो कि 300 अपॉन 250 और 150 अपॉन 50, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये अनबैलेंस्ड एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें ए और बी में निकालना है। तो बेटा यहाँ पे दो डेल्टा दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। तो जब भी न्यूमेरिकल में ऐसा सवाल आए जिसमें दो डेल्टा है, तो आपको एक डेल्टा को सॉल्व करना है, सिर्फ एक डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना। तीन आए तो दो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है, चार आए तो तीन डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो दो डेल्टा है तो एक डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ऊपर वाले डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करता हूँ, ये और ये आर ए आर बी और आर सी, और ये स्टार में अलग से बना लेता हूँ बड़ा, ये हो गया आर ए, ये हो गया आर सी, और ये हो गया आर बी, ठीक है। तो आर ए क्या होगा, तो बेटा डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट हमने किया था, और ये देखा था कि जब आर ए लिखूँगा तो उसके दोनों साइड के जो रेजिस्टेंस हैं उनका प्रोडक्ट 150 इंटू 50 अपॉन तीनों रेजिस्टेंसेस का सम 200 प्लस 100 300।
तो ये आ गया 25, दिख रहा है आपको क्लियर है एकदम? ठीक है, आर बी जब लिखूंगा तो आर बी के दोनों तरफ के रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट 100 इंटू 50 अपॉन तीनों का सम यानी 300। ठीक है, तो ये आ गया 50/3। क्लियर है बच्चों? ठीक है, और आर सी जो आएगा वो लिखूंगा 150 इंटू 100 अपॉन तीनों का सम 300। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 50। ठीक है, अब ये सर्किट वापस बनाता हूँ नया। तो ये स्टार बना दिया मैंने, आर ए आर बी आर सी, और नीचे ये बन गया आर फोर, और ये बन गया आर फाइव, आर फाइव आर फोर, ये ए ये बी। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और आपस में पैरेलल में, तो इनका जो हुआ वो हुआ आर सी प्लस आर फोर, आर सी प्लस आर फोर, ये हो गया आपका 300 प्लस 50 350। इन दोनों का जो हुआ वो हो गया आर बी प्लस आर फाइव, तो आर बी प्लस आर फाइव हो गया 50/3 प्लस आर फाइव हो गया 250, तो ये हो गया 800/3। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर ए यानी 25 प्लस 800/3 इंटू 350 अपॉन 800/3 प्लस 350। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट, तो ये आ जाएगा बेटा 176.1 ओम के आसपास इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाय यूजिंग स्टार डेल्टा मेथड। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच का बाय यूजिंग द स्टार डेल्टा मेथड, और वैसे तो आप डायरेक्ट देख सकते हो, मैं आपको इसमें काउंटर प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। आप अगर इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से, तो अगर ये पॉइंट ये वाला ए है तो ये भी ए होगा, ये बी होगा, और 1/2 इज इक्वल टू 2/4, तो ये हटा सकते हो आप। तो आप ये हटा दोगे तो जो ये सर्किट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि 1 और 2 ऊपर सीरीज में 3, 4 और 2 नीचे सीरीज में 6, 3 और 6 जो है वो पैरेलल में हो गया, 3 और 6 पैरेलल में हो गया 2, 2 और 2 पैरेलल में हो गया 1। तो इसका आर इक्विवेलेंट जो है वो आना चाहिए 1। ठीक है, ये हमने निकाल के देख लिया। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे बाय स्टार डेल्टा मेथड। ठीक है, पर एग्ज़ाम में अगर डायरेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज से हो रहा है तो अवॉइड स्टार डेल्टा मेथड। ठीक है, वो अवॉइड करना है हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक डेल्टा बनाते हैं, तो ये डेल्टा ऐसा बनेगा, एक ये और एक ये। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ आर ए आर बी आर सी, और सर्किट को वापस बनाता हूँ।
ठीक है, तो ये हो गया ए, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया बी, है ना, और ए से ही जुड़ा है आर सी, और ये जुड़ा है 2 ओम, और ये जुड़ा है आर ए, और ये जुड़ा है 4 ओम, और ये जुड़ा है आर बी, ठीक है, ये सर्किट है। अब यहाँ पे सिंपल आर ए की वैल्यू निकालें अगर, तो हमने देखा था कि आर ए जो होता है वो तीनों रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट अपॉन तीसरा वाला, जैसे आर ए इन दोनों के बीच में बन रहा है, तो इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे एक एक करके पेयर बना के, और फिर तीसरा वाला लिखेंगे, तो ऊपर आएगा 4 × 1 4 प्लस 4 × 2 8 प्लस 2 × 1 2, ठीक है, 4 × 1 प्लस 4 × 2 प्लस 2 × 1 डिवाइडेड बाय जो तीसरा वाला है आर ए के लिए वो 2 ओम है, तो ये आ जाएगा आपका 7 ओम, ठीक है। अब आर बी, तो ऊपर तो 8 + 2 + 4 आएगा, तो 8 + 2 + 4 जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा, और बी के लिए लिख रहा हूँ तो तीसरा वाला 1 है, तो ये 14 ओम हो जाएगा। और आर सी, तो ऊपर 14 और नीचे 4, तो हो गया 7/2, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आर ए आर बी आर सी। अब आप देखो कि ये दोनों 2 और ये पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट आएगा 2 आर ए अपॉन आर ए प्लस 2, तो यानी 2 × 7 / 2 + 7, तो ये आएगा आपका 14/9, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, इसका आएगा आपका 4 × RB यानी 4 × 14/18, तो ये आ जाएगा आपका 28/9, ठीक है, और ये आपस में सीरीज में है, तो ये सर्किट ऐसा बनेगा कि ये ए 2 ओम, ये आर सी, और ये सीरीज, इन दोनों के सीरीज से, तो 28/9 प्लस 14/9 जो आएगा वो आएगा 42/9, ठीक है, 42/9, ठीक है, और जो ये 42/9 आएगा ये आएगा 14/3, ठीक है, आप देख सकते हो 42/9 आ जाएगा 14/3। अब ये तीनों आपस में पैरेलल में है, तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो 3 का लिखना है, तो 1/R हो जाएगा 1/2 प्लस 2/7 प्लस 3/14, एलसीएम आ जाएगा 14 और यहाँ आ जाएगा 7 प्लस 4 प्लस 3, तो आ जाएगा 14/14 विच इज 1 ओम, तो आर इक्विवेलेंट आ गया 1 ओम, ये हम पहले ही देख चुके थे, ठीक है बच्चों। तो ये तो मैंने तुम्हें स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से करके दिखा दिया, पर एग्ज़ाम में हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से ही करते, और अगर कोई मेथड नहीं बचता तो हम इसको स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से करते, तो इसको थोड़ा संभल के लगाना होता है, पर ये ट्रिक बहुत अच्छी है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।